दोस्तों, जोधपुर में घूमने के लिए अनेक ऐसे स्थान हैं जो शहर के शाही इतिहास और संस्कृति में डूबे हैं। जोधपुर नीले रंग में रंगा है और पुरानी इमारतें और इनके बीच से निकलती घुमावदार गलियां जोधपुर के मस्तक पर विराजमान मेहरानगढ़ किले के तल पर बसी हैं। अगर आप किलों और महलों के शौकीन हैं तो आपको जोधपुर जरूर जाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जोधपुर कैसे जा सकते हैं, वहां पर आपका कितना खर्चा आएगा, क्या रहने का खर्चा आएगा और आपको कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको 2 दिन में कवर करने हैं। दिया दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड बटन दबा के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं, और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ जोधपुर आप कैसे पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। दिल्ली से भी आपको जाने के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। दिल्ली से आपको 250 रुपए से 400 रुपए तक की टिकट मिल जाएगी। रात वाली ट्रेन से आप सफर करके सुबह जोधपुर पहुंच सकते हैं। अगर आप यहाँ हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक जोधपुर हवाई अड्डा है। देश के विभिन्न हिस्सों से दैनिक उड़ाने यहाँ के लिए उड़ती हैं। बाय रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो जोधपुर शहर राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण शहरों के साथ पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। पहुंचने के बाद किसी भी जगह पर हमारा अगला ऑप्शन होता है कि हम कहाँ रहें, किस होटल में रहें। तो दोस्तों, जोधपुर में रहने के लिए काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लग्जरी से लेकर बजट स्टे आपको वहाँ मिल जाएगा। आप चाहें तो महंगे से महंगे रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो भी आपके लिए वहाँ बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। होटल्स की स्टार्टिंग यहाँ 350 से हो जाती है और आपको एक अच्छा स्टे 700 रुपए से 1000 रुपए में 2 लोगों के लिए मिल जाता है। ट्राई करके आप क्लॉक टावर या फिर उमेद चौक के पास अपना होटल लें, जिससे कि आप काफी डेस्टिनेशंस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कवर कर सकते हैं। मैंने जोधपुर हेरिटेज हवेली में स्टे किया था। आप मेरी जोधपुर सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपका फर्स्ट डे और सेकेंड डे का प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आप सबसे पहले जाएंगे मेहरानगढ़ का किला। विशाल परिसर, दीवारों पर जटिल नकाशी, शाही हॉल और अंदर की सजावट मेहरानगढ़ किले को देश का सबसे बेहतरीन किला बनाती है। किला चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से आप पूरा खूबसूरत शहर देख सकते हैं। किले में मौजूद संग्रहालय आपको शानदार अतीत की कहानी बताएगा। इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने में आपको करीब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसका एंट्री चार्ज है 200 रुपए। अगला डेस्टिनेशन जो रहेगा वो बिल्कुल मेहरानगढ़ किले के साथ ही है, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। यह पार्क राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के पास 72 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे भी आप मेहरानगढ़ किले के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह एक नेचुरल पार्क है और इसका टिकट करीब 100 रुपए पड़ेगा। राव जोधा पार्क के बाद आप जाएंगे जसवंत थाड़ा। पूरी तरह से सफेद दूध या पत्थर से बने जसवंत थाड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नकाशीदार बुर्ज और सुंदर गुंबद दिन भर सूरज की रोशनी में चमचमाते रहते हैं। इस इमारत का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किया गया था। इतिहास पसंद करने वाले लोगों को जोधपुर शहर में इस स्थान को जरूर देखना चाहिए। जसवंत थाड़ा फोर्ट के काफी पास है। आप चाहे तो वॉक करके जा सकते हैं, वरना आपको ऑटो 30 से 40 रुपए में वहां छोड़ देगा। जसवंत थाड़ा के लिए आपको 1 घंटा काफी है। यहाँ का टिकट चार्ज 30 रुपए रहता है। इवनिंग में अब आप जाएंगे ओल्ड ब्लू सिटी के टूर पर। अगर जयपुर की पहचान पिंक सिटी के रूप में है तो जोधपुर की पहचान ब्लू सिटी है। मेहरानगढ़ के ऊंचे शिखर से नीचे देखने पर आपको ओल्ड सिटी के सारे घर नीले रंग में नजर आते हैं। आप भी ओल्ड सिटी का टूर करना ना भूलें। एक बेहतरीन फोटोग्राफी लोकेशन है जहां आप सब कुछ नीला नीला पाएंगे। 1 घंटा इस टूर में आपको करीब लगेगा। यहां तक जाने के लिए आपको जसवंत थाड़ा या फिर फोर्ट से ऑटो मिल जाएगा, जो करीब आपको 100 रुपए में ब्लू सिटी पर ड्रॉप कर देगा। ओल्ड सिटी पचेतिया हिल से वॉक करते हुए आप मार्केट एक्सप्लोर करते हुए अब पहुंच जाएंगे घंटाघर। जोधपुर में घंटाघर शहर के केंद्र में एक शानदार घंटाघर है, जिसे महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। इस भव्य संरचना के आसपास स्थानीय लोग रहते हैं। यहाँ कई होटल्स भी हैं, साथ ही यहाँ बाजार भी लगता है जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पास ही में स्थित मिश्री दाल की मखनिया लस्सी और शाही समोसे खाना ना भूलें। सेकेंड डे की शुरुआत आप करें स्टेप वेल से, जो तुर्जी का झालरा के नाम से फेमस है। छोटी सड़क और तंग रास्तों से होकर मकराना मोहल्ला पहुंचा जाता है। यह इलाका चारों तरफ हेरिटेज गेस्ट हाउस से घिरा हुआ है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं वह यहाँ का प्रख्यात झालरा देखना नहीं भूलते।
यह है तूर जी का झालरा। राज परिवार की महिलाओं ने सार्वजनिक जलाशय बनवाने की परसों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए यह झालरा बनवाया था। आजकल यह झालरा लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के लिए कोई टिकट चार्ज नहीं है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा रहेगा उम्मेद भवन पैलेस, जहाँ आप क्लॉक टावर से ऑटो करके उम्मेद भवन पहुंच सकते हैं। जोधपुर शहर की ऊंचाई पर स्थित उम्मेद भवन पैलेस कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण 1928 से 1943 के बीच जोधपुर के राजा उमेद सिंह ने करवाया था। यहाँ आप विंटेज कार्स का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको एक्सप्लोर करने के लिए करीब एक घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मेद पैलेस का एंट्री चार्ज ₹30 रहता है। इसके बाद आप जाएंगे मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन के लिए आपको 100 से ₹150 में ऑटो उम्मेद पैलेस से मिल जाएगा। मंडोर गार्डन एक धरोहर स्थल है जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ शहर की प्राकृतिक खूबसूरती को भी बढ़ाता है। इस गार्डन को 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यहाँ एक सरकारी संग्रहालय और मंदिर है। जोधपुर के शासकों के गहरे लाल रंग की छतरियां और शानदार ग्रीन गार्डन भी है, जिसमें पेड़ पौधे के अनगिनत प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप केलाना लेक और माचिया बायोलॉजिकल पार्क भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ का जू है। वरना वापिस आप क्लॉक टावर आकर दोबारा से मार्केट का आनंद उठा सकते हैं। कायलाना झील की बात कर लूँ तो जोधपुर शहर के पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कृत्रिम झील है। यह झील 84 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैली हुई है और जोधपुर के प्रत्येक पर्यटक के लिए एक मनोरम स्थान है। यहाँ आप बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं, जिसका किराया करीब ₹200 पर पर्सन रहता है। माचिया जैविक उद्यान की बात करूँ तो यह जोधपुर की यात्रा करने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा विकल्प है। यह जैविक वंडरवर्ल्ड विशाल माचिया वन ब्लॉक का एक हिस्सा है। यह कायलाना झील के काफी करीब है। दोस्तों, घूमने फिरने के बाद अब भूख भी लगेगी, तो जोधपुर में काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां आप एक अच्छा भोजन कर सकते हैं। एक दिन का खर्चा करीब 500 से ज्यादा नहीं आएगा। कुछ मेरे सिलेक्टेड फूड जॉइंट्स की बात कर लूं तो शाही समोसा शॉप पर खाना मत भूलना, और मखनिया लस्सी मिश्री लाल की दुकान पर, जो कि दोनों ही क्लॉक टावर के पास है। समोसा करीब ₹20 और लस्सी ₹45 की पड़ती है। खाना खाने के लिए विजय रेस्टोरेंट, जो कि त्रिपोलिया मार्केट के आसपास है। क्लॉक टावर से आप किसी से भी पता करेंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पर यह रेस्टोरेंट है। मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा। और यहाँ का एक और फेमस रेस्टोरेंट है जिप्सी रेस्टोरेंट, वहां भी आप जाकर खाने का आनंद उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। तो दिल्ली से आना जाना करीब आपका ₹800 पर पर्सन। एक पर्सन का होटल का खर्चा एक रात का करीब ₹500, फूड अराउंड ₹300 से ₹400 पर डे। ₹400 का खर्चा करीब आपका आएगा फोर्ट्स एंड पैलेसेस की एंट्री का, और ऑटो का खर्चा एक जने का ₹300 के करीब आएगा 2 दिन का। तो टोटल मिलाकर आपका ₹2700 से ₹2800 का जोधपुर का ट्रिप 2 दिन का दिल्ली से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो सिर्फ आपके किराए में जो अंतर आएगा वो रेलवे टिकट का आएगा, उसके अलावा सेम खर्चा आपका रहने वाला है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा मैं एक नई लोकेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।